अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। ओशो कहते हैं कि आदमी अपने मतलब का अर्थ निकालता है, जिसमें उसका फायदा होने वाला है बस वही बातों को वो समझेगा। मित्रों, इसके पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होते रहे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ओशो ने किस तरह की शिक्षा दी। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताया। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन एक तीर्थ यात्रा पर निकला था, अकेला था। रास्ते में एक मौलवी मिल गया जो उसके साथ हो गया, फिर एक योगी भी आ गया जो उसके साथ हो लिया। आगे चलने पर तीनों एक गांव में रुके, लेकिन मौलवी ने कहा कि मेरा तो अभी नमाज का समय है, और योगी ने कहा अभी तो मैं अपने योगासन पर बैठूंगा, अपनी साधना करूंगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं क्या करूं। तो उन लोगों ने उसको शिक्षा दी कि तू जा गांव में भिक्षा ले और उसके बाद कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। तो मुल्ला को ये बात जच गई, वो गांव गया। गांव में उसने कुछ भिक्षा इकट्ठी करी जिससे कुछ पैसे मिले। पैसे मिलते साथ ही वो हलवा खरीद कर लाया, और स्वभावतः वो लेकर के वापस आया कि इस हलवों के हम लोग बांट लेते हैं। स्वभावतः पहला हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, क्योंकि इस हलवों को उपस्थित करने में मेरा साधन लगा है, मेरी साधना लगी है, मैं लेकर के आया हूं। लेकिन मौलवी ने कहा कि अभी तो मुझे भूख नहीं है, और योगी ने कहा मैं तो सूरज डूबने के पहले ही सिर्फ 3 दिन में एक बार भोजन करता हूं, इसलिए सांझ को ही भोजन करूंगा, तो अभी इसको रखो, अभी हम यात्रा करते हैं, सांझ होने पर देखा जाएगा। सांझ भी आ गई, लेकिन तब सवाल बड़ा गहन हो गया कि उस हलवों को बांटा कैसे जाए। मौलवी ने कहा मैं एक धर्म का दीक्षित पुरुष हूं, मैं एक दीक्षित पुरोहित हूं, तो पहला हक और बड़ा हक मेरा है। तब योगी ने कहा आप कितने ही दीक्षित हो, कितने ही पुरोहित हो, लेकिन मुझसे बड़ा कोई योगी ना होगा, इतनी बड़ी किसी के पास संपदा नहीं है, मैं समाधि को उपलब्ध हो चुका हूं, इसलिए हक तो पहला मेरा है और बड़ा हक भी मेरा है। तब मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि आप भला कितने ही पहुंचे हो, लेकिन हलवा लाने में तो साधन मैं बना ना, मेरे साधनों से, मेरे प्रयास से ही मैंने इसको सिद्ध किया है, तब तो हलवा आया, तो हलवे पर मेरा ही हक बनता है। बात इतनी बिगड़ गई, इतना झगड़ा हो गया और सांझ हो गई, उस हलवे का बंटवारा ना हो सका, सूरज भी डूबने लगा। तब तो योगी ने कहा कि अब सुबह ही कुछ हो सकेगा, क्योंकि सूरज डूब चुका है, मैं सुबह सूरज उगने पर ही भोजन लेता हूं। तो यह तय किया गया कि हम तीनों सो जाएं, और जो रात में सबसे अच्छा सपना देखेगा, श्रेष्ठतम सपना देखेगा, सुबह हम सबको अपने अपने सपने बताएंगे, जिसका सपना श्रेष्ठतम होगा हलवे का मालिक वही होगा, और वो जिसको चाहे उसको थोड़ा थोड़ा दे या पूरा दे। खैर रात हो गई, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही तीनों उठ गए। मौलवी ने कहा मैंने देखा कि मेरे धर्म का संस्थापक मेरे सिर पर हाथ रखे हुए है, सपने में मेरे सिर पर खड़ा है और मुझे आशीर्वाद दे रहा है, और मुझसे कह रहा है कि मुझसे श्रेष्ठ शिष्य पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तू सबसे श्रेष्ठ शिष्य है। तब योगी ने कहा यह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा वो किसी ने नहीं देखा, मैंने सपने में देखा कि मैं परम मोक्ष में प्रवेश कर गया हूं, मेरे ऊपर फूलों की अनंत वर्षा हो रही है, मुझको जो शांति मिल रही है इतनी शांति तो बुद्ध को भी उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए मेरा जो सपना था वो सबसे बड़ा है, मैं उसी सपने को देख करके अभी लौटा हूं, तो हलवे पर तो पूरा हिस्सा, पूरा हक मेरा है। तब दोनों ने देखा कि मुल्ला नसरुद्दीन चुपचाप बैठा है। उन्होंने कहा कि मुल्ला तू बता, तूने क्या सपना देखा। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा घबराया, उसने कहा मेरा सपना तो बहुत ही साधारण सा था, मेरा गुरु, सूफियों का गुरु खिज्र मुझे दिखाई पड़ा। उसने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन उठ, तू क्या मेरा शिष्य है। तो मैंने सपने में कहा हां मैं आपका शिष्य हूं। तो उसने कहा कि अगर तू मेरा शिष्य है तो अभी आंख खोल और मेरी आज्ञा मान, इसी वक्त उठ और हलवा खा। बस मैं डर गया और मैंने हलवा खा लिया। इस तरह मौलवी और पुरोहित आवाक रह गए, हलवा तो खत्म हो गया, अब काहे का सपना और काहे की यात्रा। तीनों अपने अपने राह पर निकल पड़े। मित्रों, उस दर्शन में बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।